अनिल विज ने जब से मंत्री पद संभाला है वो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जहां वो कई जगह कार्यवाही करते दिखे तो अब उन्होंने चुनावों के दौरान हुए प्रशासन की लापरवाही को लेकर सवालिया निशान खड़े करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला के डीसी पार्थ गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रशासन उन्हें मरवाना चाहता था। विज ने कहा कि उन्होंने चुनाव आयोग से अनुमति लेकर जनसभा की थी, लेकिन बावजूद इसके गरनाला और शाहपुर में विरोध हुआ। विज ने कहा कि उन्हें लगता है कि उन्हें मरवाने की साजिश थी। इस दौरान विज ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। अनिल विज का कहना है कि उन्होंने एसपी डीसी को मैसेज कर जानकारी दे दी थी कि जनसभा करने जा रहे हैं, बावजूद इसके दोनों जगह विरोध हुआ। गरनाला में विज के समर्थक और दूसरी पार्टी के समर्थक आमने सामने हो गए थे। हालांकि विज के समर्थक उन पर भारी पड़े और सभी को खदेड़ दिया। इसी तरह शाहपुर में भी ऐसी ही घटना हुई। इसको लेकर विज ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए और डीसी से पूछा कि बताओ इस मामले में क्या कार्यवाही की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।